हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट मेड में। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ब्लूटूथ साउंड बॉक्स। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो पूरा जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इस तरह एक साउंड ले लेंगे। ये मेरे पास बेकार साउंड पड़े थे तो मैंने ये ले लिया। ये कुछ स्पीकर पड़े हैं जो मेरे काम आने वाले हैं इसे बनाने के। तो सबसे पहले इसे क्या करता हूँ, मैं इसे रख के इस मोबाइल के बॉक्स में ही फिट करने वाला हूँ। तो इसे रख के मैं मेज़र कर लेता हूँ और निशान लगा लेता हूँ। कुछ इस तरह से मैं फिट करने वाला हूँ इन पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक मार्कर लेके इस पे निशान ले लेता हूँ ताकि मैं इसे कट कर सकूँ, क्योंकि तो मैं इस स्पीकर को यहाँ फिट करने वाला हूँ। कुछ इस तरह से हम इसे मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसको मार्क किए जगह को कट कर लेंगे। मैं कटर की हेल्प से इसे कट कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए, कुछ कटने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखने लगा है। अब मैं इसमें स्पीकर फिट करने वाला हूँ। तो जैसे ही देख रहे हैं, ये मैंने एक बेस के लिए लिया है। तो इसमें काफ़ी अच्छा बेस पैदा करने के लिए छोटा सा स्पीकर मैंने इसे अलग ही कबाड़ में से ही लिया है। तो मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो में जो सामान यूज़ करता हूँ वो मैं एक स्पेयर पार्ट होते हैं जो कि ख़राब होते हैं उसमें यूज़ करता हूँ। ये भी एक फ़ोन का निकाला हुआ स्पीकर है जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ और एक छोटी सी जाली भी लगाऊंगा इसके ऊपर ताकि इसमें कोई कचरा ना जाए, कुछ इस तरह से। और एक मैं स्पीकर लूँगा 12 वाट का। ये टीवी का स्पीकर है, ये ख़राब टीवी से मैंने निकाला है। तो वो कुछ इस तरह से मैं इसमें फिट करने वाला हूँ। जैसे देख रहे हैं, तार अंदर से डाल देता हूँ। तो फिट करने के बाद ये काफ़ी आसानी से अंदर फिट हो जाता है। और अब जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने इसमें तीनों स्पीकर कुछ इस तरह से फिट कर दिए हैं और ग्लू गन से मैंने इन्हें पीछे से पूरा चिपका भी दिया है ताकि ये निकले नहीं। तो देख सकते हैं, अब मैं इसके दूसरे बॉक्स को, इसमें मैं बैटरी और बटन फिट करूँगा, इसे साइड रख देता हूँ बाकी। तो इसमें हम फिट करने वाले हैं एक बैटरी और स्विच फिट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह की बैटरी होगी। बैटरी बनाना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया भी है आपको। और एक मैं मॉड्यूल ले लूँगा 5 वोल्ट का मॉड्यूल, चार्जिंग मॉड्यूल, ताकि इस बैटरी को चार्ज किया जा सके, क्योंकि ये 3.7 वोल्ट की बैटरी होने वाली है जो कि मैंने पैरेलल में बनाई है। और ये बॉक्स कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा अपने आगे आने वाले बॉक्स पे। आगे वाले बॉक्स पर फिट होने के बाद कुछ इस तरह लगेगा। इसमें एक स्विच भी लगाएंगे यहाँ पर, जैसे देख पा रहे हैं आप। तो उसके लिए भी मैं यहाँ रख के कुछ इस तरह से यहाँ रख लेता हूँ और उसका निशान ले लेता हूँ। देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से मैं रख के निशान ले लेता हूँ ताकि आराम से फिट हो सके। देखिए, इसको मैं निशान लगा के फिर इसको कट करके इसमें स्विच फिट कर दूँगा। और अब मैं ये 5 वोल्ट का जो मॉड्यूल है, ये चार्जिंग मॉड्यूल है, ये भी आपको मैं इसका लिंक दे दूँगा, ऑनलाइन लिंक, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये हमारी 3.7 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के काम में आएगा, क्योंकि ये जो मैंने बैटरी बनाई है 3.7 वोल्ट की है और इसमें एम्पियर ज़्यादा है। तो इसे चार्ज करने के लिए मैं 5 वोल्ट का मॉड्यूल यूज़ करूँगा। आप मोबाइल फ़ोन के किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, फिट करने के बाद अब मैं इसमें ग्लू गन लगा देता हूँ। तो सब मैं ग्लू गन लगा के फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, ग्लू गन लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये एकदम जाम हो चुका है। तो फिक्स होने के बाद अब मैं इसमें बैटरी फिट करने वाला हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, मैंने ये भी बेकार बैटरी से बनाया है। ये बेकार लैपटॉप की बैटरी से और एक मोबाइल की बैटरी यूज़ की है मैंने। तो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि ये कितने वोल्ट की है। तो देखिए, ये 3.86 वोल्ट की हैं, सीधे लगा के दिखाता हूँ। 3.86 वोल्ट, यानी कि ये मैंने तीनों बैटरी को पैरेलल में जोड़ा है। एक बैटरी हमारी 3.7 की है। और अब यूज़ करने वाला हूँ ये बूस्टर मॉड्यूल। ये क्या करता है, हमारे 3.7 वोल्ट को 12 वोल्ट में चेंज कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो हमारा इसमें एम्पलीफायर है वो 12 वोल्ट पे चलने वाला है। तो मैं कुछ इस तरह से इन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा इनपुट पर, और आउटपुट पे हमें 12 वोल्ट मिलने वाला है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, मैं इनपुट में इन दोनों को लगा के पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव लगा के इसको सोल्डिंग आयरन की हेल्प से सोल्ड कर दूँगा कुछ इस तरह से। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी वायर कहाँ लगेगी, इसमें पहले से लिखा होता है। तो इसमें आपको कोई
ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मॉड्यूल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चाहे तो परचेस भी कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि ये 3.7 वोल्ट को बूस्ट करके 12 वोल्ट में चेंज कर देता है। तो देखिए सोल्डरिंग करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, और अब मैं इसको चेक भी करा देता हूँ कि ये 12 वोल्ट, ये देखिए 11.82 वोल्ट बना रहा है। मैं चाहूँ तो इसको इस पेचकस की हेल्प से इसके पोटेंशियोमीटर को मैं और बढ़ाऊँगा तो हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए आप मल्टीमीटर में देख भी पा रहे होंगे कि कैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर को बढ़ाने से हमारी वोल्टेज जो है बढ़ रही है। अब मैं इसे 12.50 या 12.60 पे इसे सेट कर देता हूँ क्योंकि हमें 12 के लगभग में वोल्टेज चाहिए होगा इसे चलाने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्पीकर को इसके पीछे एक ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा देता हूँ ताकि जो हमारी स्पीकर की वॉइस है वो बॉक्स के अंदर ना गूंजे, बाहर निकले अच्छी और वॉइस की क्वालिटी अच्छी हो जाए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सारी स्पीकर को पैरेलल कनेक्ट कर लेता हूँ। जो ऊपर के दो हमारे स्पीकर के वायर हैं मैंने इन सबको देखिए कुछ इस तरह से पैरेलल कनेक्ट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को सही से फिट कर देता हूँ और उसके बाद ग्लू गन से इसे चिपका भी दूंगा ताकि हमारी जो वॉइस है पीछे बॉक्स में ना गूंजे, बाहर की ओर निकले। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं इसे ग्लू गन लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ग्लू गन लगाने के बाद जैम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और वायर भी अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं जिससे क्या है वायर टूटने का खतरा भी नहीं रहता है गिरने पर भी। अब मैं इस बॉक्स में बैटरी कुछ इस तरह से फिट करूंगा ताकि बंद करने पर ये बैटरी मेरी स्पीकर पे ना लगे। ये सामने रख के मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं फिट करने वाला हूँ ताकि बंद होने पर हमारी बैटरी ना लगे, निशान लगा लेते हैं। और इसको मैं डबल साइडेड टेप की हेल्प से चिपका भी दूंगा ताकि ये बॉक्स में अंदर अच्छे से चिपके रहे। कुछ इस तरह से देखिए मैं डबल साइडेड टेप लगा देता हूँ। ये देखिए छोटा डबल साइडेड टेप लगा के और मैं इसको चिपका देने वाला हूँ जिस तरह से। और ये इस मॉड्यूल को भी मैं साइड में फिट कर दूंगा क्योंकि इसके अभी दो वायर और कनेक्ट करने हैं जो हमारे चार्जिंग मॉड्यूल से आने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इसमें प्लग्स लगा के सोल्डिंग वायर लगा देता हूँ और इसको भी मैं डबल साइडेड टेप से चिपका दूंगा बैटरी पर। और मैं दो वायर और कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये दो वायर हमारे चार्जिंग मॉड्यूल पे जाने वाले हैं ताकि हमारी अगर मेरे को बैटरी चार्ज करनी हो तो चार्जिंग मॉड्यूल के थ्रू हाँ डायरेक्ट आ जाए। मैं इसका एक डायग्राम भी आपको दे दूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, सर्किट डायग्राम के थ्रू आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें। और इसकी बाकी वीडियो की एक मैंने सीरीज़ बना रखी है, आप उन वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल पर। तो जैसे एक बार मैंने इसे मैं ये डबल साइडेड टेप में निकाल के कुछ इस तरह से चिपका दूंगा और उसके बाद टेप लगा दूंगा ताकि ये फिक्स हो जाए क्योंकि ये हम एक मजबूत साउंड बॉक्स बना रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये जो माइनस की वायर है इसको मैं मॉड्यूल में कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि हमारी स्विच से होके जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसे पहले इसे स्विच में लगाने वाला हूँ, कुछ इस तरह से सोल्ड कर दूंगा मैं। देखिए हमारा फिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसके बाद इसकी दूसरी वायर को जो कि हमारी बैटरी के वायर में बैटरी से आ रही है इसको दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब ये दो वायर हमारे जो मॉड्यूल से पैरेलली आ रहे हैं जो सीधे हमारे बैटरी में जा रहे हैं इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ माइनस में माइनस और पॉजिटिव पे पॉजिटिव, जिस तरह से कनेक्ट हो गया देख पा रहे हैं। तो अब मैं इन दो वायर पे चेक करा देता हूँ कि कितनी वोल्टेज आ रही है ताकि आपको पता चल सके। देखिए दोनों पे कनेक्ट कर पे 12.55 वोल्टेज आ रही है। देखिए और मैं बंद करके दिखा देता हूँ, देखिए काम भी कर रहा है यानी स्विच ऑफ करने पर हमारी लाइट कट रही है। तो अब मैं इसमें बैटरी फिट कर चुका हूँ, अब बारी हमारे एम्पलीफायर के फिट करने के लिए।
एम्पलीफायर को के ऊपर एक वीडियो मैंने बना दी है, इसके हर एक पॉइंट के बारे में मैंने उस वीडियो में समझाया है, आप उसे देख सकते हैं, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं। और इसमें एक मैं पोटेंशियोमीटर यूज़ करने वाला हूँ ताकि हम वॉइस को कंट्रोल कर सकें कम या ज़्यादा करने के लिए, तो कुछ इस तरह से मैं इसे फिट कर दूंगा। और जैसे कि देख पा रहे हैं मॉड्यूल में, अब हम पहले पावर के लिए दो वायर कनेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, जो कि कैपेसिटर पे कनेक्ट होगा। इसके बारे में मैंने फुल डिटेल वीडियो एक बना दी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा आप। तो कुछ इस तरह से देखिए, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ वायर। अब कनेक्ट करने के बाद अब इसमें हम एल और आर पे कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं सेंटर कनेक्शन कर लेता हूँ, जो कि हमारा ग्राउंड होता है, और इसमें फिर एक लेफ्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि हमारा एल होने वाला है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में अपनी बता रखा है। और उसके बाद हम दो वायर जो आप देख रहे हैं, ग्रीन और येलो, ये हमारे स्पीकर के आउटपुट वायर होने वाले हैं। तो इसको मैं सिंगल चैनल का बना रहा हूँ, इसीलिए एक हम ग्रीन वाला इस पॉइंट को और येलो को दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा वायर होती है पहले मैं निकाल देता हूँ उसे काट के, क्योंकि सोल्डिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी वायर एक दूसरे से टच ना हो सर्किट में, वरना शॉर्ट सर्किट का डर होता है और हमारी आईसी भी फूक सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि शॉर्ट सर्किट ना हो हमारे सर्किट में, और सर्किट अच्छे से साफ जरूर कर लें सोल्डिंग करने के बाद। देखिए बहुत अच्छी तरह से सोल्ड हो गया है। अब मैं एक्स्ट्रा वायर को काट लेता हूँ कुछ इस तरह से। काटने के बाद अब हम वायर अलग कर देते हैं, ये तो हमारी स्पीकर की वायर होने वाली है, और बाकी एल और आर की वायर होने वाली है हमारी, जो इसमें इनपुट देने वाला हूँ मैं। इनपुट मैं ब्लूटूथ से के थ्रू दूंगा, तो कुछ इस तरह का ये ब्लूटूथ मैं खरीद के लाया हूँ मार्केट से, ये मात्र 50 रुपये का मिल गया था मुझे, तो इसीलिए मैं इस ब्लूटूथ को यूज़ करने वाला हूँ। आपको इसका भी लिंक दे दूंगा मैं, आप चाहे तो इसे ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, और सस्ते में मिल जाता है, इसीलिए मैं इसे लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसे निकाल लेते हैं सबसे पहले इस मॉड्यूल को, और इस पर पॉजिटिव नेगेटिव, और पीछे ये एल और आर और जी, यानी तीन पॉइंट होते हैं हमारे पे, यहाँ एल आर और जी होते हैं, और आगे पॉजिटिव और नेगेटिव किनारे किनारे के होते हैं, उन पर हम कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस पर इनपुट मैं ब्लूटूथ के थ्रू दूंगा। देखिए कुछ इस तरह से हम सोल्डिंग वायर रख के दो पॉइंट ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, और पीछे तीन पॉइंट जो जैक वाले आप देख रहे हैं वो हमारे एल और आर के हो जाएंगे, और एक ग्राउंड का हो जाएगा। तो ये तीन पॉइंट पे हम कनेक्ट करने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो इसमें मैं आर का जो राइट का कनेक्शन है वो भी कर लेता हूँ, क्योंकि लेफ्ट का हमने कर लिया था, ये आर का भी कनेक्शन हो गया है कुछ इस तरह से। देखिए आराम से कनेक्शन हो गया, तीन वायर हमारे निकल चुके हैं। अब मैं जो मैंने वॉल्यूम के लिए नॉब लिया था उस पर भी कनेक्शन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, क्योंकि उस पर भी तीन पॉइंट आते हैं हमारे। इसको मैं लगाता हूँ फोल्ड पे, फोल्डर पे, और कुछ इस तरह से तीन पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा वॉल्यूम के लिए हो गया, इससे हम वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकेंगे। और इसको मैं फिर आगे पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ, और इसका स्क्रू भी लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी कि मैंने इस साउंड बॉक्स को कैसे बनाया है। तो स्किप मत कीजिएगा कोई भी, वरना आपको परेशानी हो सकती है समझने में। इसका मैं एक सर्किट डायग्राम भी देने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सर्किट डायग्राम देख सकें। तो अब हम दो वायर लेंगे जो कि हम कनेक्ट करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले इसमें सोल्डिंग वायर लगा देता हूँ, और एक्स्ट्रा वायर कट कर देता हूँ, और इसका यूज़ मैं पावर देने के लिए करूँगा ब्लूटूथ मॉड्यूल को। जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारा रेड वाला पॉजिटिव और नेगेटिव है। आप मैं इसको पावर देने के लिए डायरेक्ट दूंगा, बैटरी के थ्रू पावर दूंगा अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को। और जैसे कि ये तीन वायर देख रहे हैं, इस तीन वायर को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ ब्लूटूथ के जो लेफ्ट साइड का हमारा जो वायर है उसके सीरीज में कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जो वॉल्यूम होने वाली है जो ब्लूटूथ से हमारा वायर आया उसमें सीरीज में कनेक्ट होने वाली है। मैं साइड में इसकी फ़ोटोज भी दिखा दूंगा। ये देखिए ये हमारी वायर जा रही है जो ग्राउंड पे जा रही है, और जो लेफ्ट से हमारी वायर है उनके सीरीज में कनेक्ट है कुछ इस तरह से। ये देख भी पा रहे होंगे आप, देखिए
जिस तरह से ये लेफ्ट में जा रही है और राइट से होके ब्लू में होते हुए आ रही है, तो ये ब्लू वाली वायर है और ये आउटपुट की हमारी येलो और ग्रीन वाली वायर है। इसका सर्किट डायग्राम भी आप देख पा रहे होंगे, तो अब फटाफट मैं इसमें टेप लगा लेता हूँ। टेप मैं इस ये कागज वाला टेप यूज़ करता हूँ क्योंकि ये चिपकने के लिए बहुत सही होता है, इसे डॉक्टर टेप भी बोलते हैं, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट मैं इसे चिपका लेता हूँ ताकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो देखिए अब मैंने इसे ब्लूटूथ में पावर दे दिया है और मैं इसे ऑडियो जैक के थ्रू भी बजा सकता हूँ, तो ऑक्स केबल के थ्रू भी बजा सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्लूटूथ का कनेक्शन है मैं डायरेक्ट अपनी बैटरी में देने वाला हूँ। तो इसके कनेक्शन के लिए सबसे पहले इसे मैं सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। एक सोल्डिंग पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसमें आप मैंने पूरा सोल्डिंग का सही तरीका कैसे है वो समझाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब ये जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें 3.5 वोल्ट पे ये मॉड्यूल चलता है, तो हमें 3.7 का जो पॉइंट है आगे वाला, इन दो पॉइंट पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव कनेक्ट करने वाला हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा पॉजिटिव का पॉइंट है, ये नेगेटिव का है, तो नेगेटिव पे कनेक्ट कर देंगे, और ये पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ मैं सोल्ड कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से रख के ये वायर निकल गया। इन सारे वायर को एक ही साथ रख के कुछ इस तरह से देखिए मैंने सोल्ड कर दिया, तो ये अच्छे तरीके से सोल्ड हो चुका है। अब हमारे ब्लूटूथ को भी पावर मिल रहा है, ये देखिए बटन ऑन करते ही हमारा ब्लूटूथ ऑन हो गया है क्योंकि लाइट ब्लिंक हो रही है। अब मैं इस मॉड्यूल को साइड में फिक्स कर देता हूँ ताकि ये कहीं हिले नहीं, और उसके बाद एम्पलीफायर को भी हम पावर से दे देते हैं। पावर देने के लिए मैं जो हमारा मॉड्यूल से वायर निकला था मैंने उसके थ्रू पावर दे दिया है, और बाकी सबको मैंने टेप लगा के सेट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, तो देख पा रहे होंगे। अब इसे पीछे ऑक्स केबल भी दिया है तो ऑक्स केबल के थ्रू भी बजा सकते हैं, और बाकी मैंने बटन सेट कर दिया है। तो देखिए सेट, ये आराम से बॉक्स बंद हो जा रहा है और ये मैंने इजीली इसको अंदर फिट कर दिया है। तो ये हमारा ये वॉल्यूम का नॉब है, देख सकते हैं। तो चलिए इसे टेस्ट भी करके मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए ये वॉल्यूम का ऑन ऑफ का है, और पीछे ये ऑफ का बटन भी दिया है, और इसे मैं ग्लू गन से पहले फिक्स भी कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने ग्लू गन लगा दिया है, जो ये खाली स्पेस दिख रही थी मैंने साइड में इसे ग्लू गन से भर दिया है, और पीछे तीन होल भी कर दिए हैं और एक LED भी लगा दी है क्योंकि ऑन होने में पता नहीं चल रहा था, तो LED लगा दी है और आगे नॉब भी लगा दिया है। तो मैं इस मोबाइल के थ्रू आपको NCS का सॉन्ग बजा के चेक करा देता हूँ फटाफट। ये देखिए मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है और मैं एक NCS का सॉन्ग बजा के आपको चेक कराता हूँ कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो जैसे कि ये ऑन ऑफ ऐड स्किप करो, तो आप देख पा रहे हैं ये NCS का सॉन्ग। ये वॉल्यूम डाउन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप कम और ज़्यादा भी हो पा रहा है, मोबाइल के थ्रू भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कोई फेक वीडियो नहीं है, तो ये ज़्यादा करके दिखाता हूँ। देखिए वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तेज है, बिल्कुल डीजे बॉक्स की तरह ये बन चुका है। इसके थ्रू भी आप वॉइस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं बंद और चालू करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कोई फेक वीडियो नहीं है, इसी की आवाज़ है साउंड की। तो ये देख पा रहे हैं जैसे कि आप, ये साउंड की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज है, पूरे रूम में बुझा दे रहा है। देखिए कलर करने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ये देखिए मैंने इसे ब्लैक कलर से कलर कर दिया है।
और कुछ टेप लगा दिए, तो अब ये लुक पहले से लुक थोड़ा अच्छा हो गया है। आप कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा दिख रहा है और ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर हो गई, लेकिन मैंने सबको समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।